स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे आज के लेक्चर में। तो जैसे कि हेडिंग आपने देखी होगी, हेडिंग क्या लिखी हुई है, वो नाम क्या है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा कंप्यूटर नाम का एक टॉपिक है, एक लफ्ज़ है जहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो कहने का ये मतलब है कि JKSSB एग्जाम्स का जो भी कंप्यूटर का सिलेबस होगा वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहली बात कंप्यूटर। तो अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? कहीं सोचते हैं लैपटॉप, कहीं सोचते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। तो आज अगर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की, सबसे पहली बात कि कंप्यूटर की जो एब्रीविएशन है वो क्या है उसके बारे में बताऊंगा। COM PUTER। तो C स्टैंड फॉर कॉमन, O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग, M स्टैंड फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड, यूज्ड फॉर टेक्निकल, टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि कंप्यूटर की एब्रीवेशन क्या है? कंप्यूटर की एब्रीवेशन है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर की एब्रीवेशन ही आपको बताती है कि हाँ हमारे पास एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? टेक्निकल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल के लिए, टेक्निक्स के लिए यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं, एजुकेशन पर्पजेस के लिए यूज करते हैं और रिसर्च के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। एब्रीवेशन तो आपने पढ़ ली, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या आती है कि कंप्यूटर जो आता है हमारे पास, कंप्यूटर इज अ मशीन, इज अ मशीन मतलब मशीन तो है, क्या है? विच इज यूज्ड टू मैन्युपुलेट, मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। क्या होगा कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए? डेटा के लिए और या इंफॉर्मेशन के लिए। अब यहां पे आता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मीनिंग क्या होता है? मैनिपुलेट होता है कि हाँ जी हाँ हम कैसे ऑपरेट करते हैं, आप किसी चीज किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो ये उसका मीनिंग आ जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद आता है कि परफॉर्म करता है, कंप्यूटर परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस ऑपरेशंस, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। एक तो हमारे पास आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन और दूसरा क्या आ गया? लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है जी। याद रखना कि कंप्यूटर एक मशीन है और जो कि किसने इन्वेंट की थी, कि इसके फादर का नाम क्या है, आविष्कार किसने किया था, तो वो आते हैं हमारे चार्ल्स बैबेज, ठीक है जी। ये याद रखना कि जिसने क्या किया था, कि कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, ठीक है जी। अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में थोड़ा और देखेंगे। सबसे पहली बात डिटेल में पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में कि होता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहला जो आपका
टॉपिक ही आता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो कंप्यूटर का अभी तक हमने देखा था क्या पॉइंट्स आए थे कि ये मशीन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैन्युपुलेट करता है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे कि हम डे बाय डे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि टाइम बीतता जा रहा है, तो हमारे पास जो जो भी कंप्यूटर आ रहा है दैट इज मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब आज की जनरेशन जो यूज कर रही है दैट इज मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर का जो पर्पस है वो क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो क्या काम करता है, लाइक वो एडवांस है, इसको हम बोल सकते हैं एडवांस्ड, है कि नहीं, ठीक है जी, इट इज अ एडवांस। और इसका काम क्या है, रिट्रीव डेटा, रिट्रीव इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन निकालना या इंफॉर्मेशन देना। सबसे पहली बात, इनका काम ही यही होता है कि इनपुट ले लो और रिजल्ट दे दो, आउटपुट, ठीक है जी, कंसेप्ट दिमाग में डाल लेना कि क्या क्या काम है। तो आज के अगर टाइम की बात की जाए कि हमारे पास क्या क्या होता है, मतलब लाइक कंप्यूटर को हम किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर अगर आज की बात की जाए, आज के प्रेजेंट टाइम की, तो कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, कनेक्टेड टू इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट तो होता है, और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लाइक सेंड और रिसीव ईमेल्स, ईमेल्स भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, और क्या आ सकता है, प्ले गेम्स, मतलब लाइक कहने का ये है कि हम लोग जब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो ये बेसिक चीजें हैं कि जो कंप्यूटर में होती हैं, सबसे पहली बात बेसिक। तो अगर यूजेस की बात की जाए, कंप्यूटर यूज कहां कहां पे होता है, सबसे पहली बात देखेंगे कंप्यूटर का यूज, इस्तेमाल जिसको कहा जाता है यूजेस, यूजेस। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कि अगर आप फर्स्ट ना देके आप पॉइंट्स में लिख दो, ठीक है, स्टार्ट। पहला आता है कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, आप बोल सकते हैं स्कूल्स में कर सकते हैं, स्कूल्स में किस चीज के लिए, इन लैब्स, और क्या चीज करने के लिए, और प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामिंग फंक्शन, है ना, प्रोग्रामिंग के लिए कि कंप्यूटर लैब्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लाइक वहां पे अगर हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे तो हम लोग कंप्यूटर्स का एज अ प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग करने के लिए, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम आता है, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस मतलब कि लाइक जो हम मोबाइल फोन में एप्लीकेशन यूज करते हैं वो बनाने के लिए, विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्कूल्स में हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, गेम्स के लिए यूज करते हैं, अदर पर्पसेस के लिए, लाइक अगर आपको बात की जाए लाइक बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बैंकिंग में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिंग अकाउंट या क्रिएट अकाउंट के लिए, ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ओपनिंग ऑफ अकाउंट। देन उसके आ जाता है लाइक मनी ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस के लिए, ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शंस के लिए, ट्रांजेक्शन पर्पसेस के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि
किसी सॉफ्टवेयर का वर्क करके हम लोग उसमें देख सकते हैं कि इसका लाइक अमाउंट कितना है, अमाउंट चेक करने के लिए कर सकते हैं, अमाउंट कब कब निकला, कब कब उसमें डिपॉजिट हुआ, वो पर्पजेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज देखेंगे कि नेक्स्ट यूज क्या है। नेक्स्ट यूज है कि एयर टिकट्स बुकिंग के लिए रेलवे में यूज होता है, और कहां यूज होता है एटसेट्रा। मतलब लाइक आज के टाइम में कंप्यूटर का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कहीं नहीं होता, हर एक जगह में होता है। ठीक है, आप किसी चीज को भी पोस्ट करने के लिए कई बार क्या होता है, पार्सल आप मेल करते, लाइक आप बोलते कि हाँ जी ये वाला पार्सल मेरे को रिसीव हो जाए, तो आप लाइक ये बोल सकते हो कि ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब क्या होता है, ई स्टैंड्स पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का क्या कंसेप्ट है कि लाइक जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर करते हो, जैसे मीशो से करते हो, फ्लिपकार्ट से करते हो, मंत्रा से करते हो, अमेजोन से करते हो, तो मतलब लाइक नंबर ऑफ जो शॉपिंग साइट्स हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए करते हैं, तो ऑनलाइन के लिए लाइक, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, तो ई शॉपिंग कहा जाता है उसको। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो देखें बच्चा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से आ जाते हैं। हमारे पास पहला आता है हार्डवेयर, और दूसरा आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो हार्डवेयर में क्या होता है कि हमारे पास, जैसे आप इसको बोल सकते हो, जो चीज आप लाइक देख सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, ठीक है, विच कैन बी टच। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैन नॉट बी टच्ड, मतलब इसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना, जिसको हम टच नहीं कर सकते दैट इज सॉफ्टवेयर, और जिसको टच कर सकते दैट इज हार्डवेयर। ठीक है जी, अच्छा, तो अब हार्डवेयर हमारे पास क्या, कौन कौन से हार्डवेयर आ जाएंगे, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रिंटर, माउस एटसेट्रा। ठीक है जी, लाइक एक और मेन जो था वो सीपीयू। ठीक है, ये आते हैं हमारे पास मेन कौन से, ये आते हैं हमारे पास हार्डवेयर। तो अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए, तो जैसे आप सिस्टम स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, तो कंप्यूटर स्टार्ट जब होता है, जो चीज बीच में रन हो रही है, जिसकी पिक्चर आपको दिख रही होती है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक आपके पास विंडो भी हो सकता है, लाइक आपका उबंटू भी हो सकता है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो मतलब ये जो है ये अभी तक पॉपुलर ही है, यही चल रहे हैं मैक्सिमम। तो ये आता है आपका सॉफ्टवेयर, और ये आता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, और हार्डवेयर जो होगा क्या होगा आपका, लाइक आप ये बोल सकते हो कीबोर्ड वगैरह, वो उनको आप लोग बोलते हो हार्डवेयर। तो अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा था, बाद में इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा आज के हार्डवेयर के कंसेप्ट थोड़े सारे। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग हार्डवेयर की तरफ। कंपोनेंट जो हार्डवेयर के होंगे, हार्डवेयर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहली बात हार्डवेयर, अब हार्डवेयर में क्या क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक आता है सीपीयू, मॉनिटर होता है, फिर और क्या होता है इसमें, कीबोर्ड होता है, और क्या होता है इसमें, माउस होता है, एंड प्रिंटर, मतलब लाइक ये सारे जो होते हैं ये हमारे पास क्या आते हैं, हार्डवेयर आते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहली बात हार्डवेयर में हमारे पास आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब याद रखेंगे
इनपुट होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, लाइक डालते हैं उसमें। तो सबसे पहली बात, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन से आते हैं, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, एंड जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का पर्पज होता है कि जब हम गेम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास जॉयस्टिक। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या होता है, जहां पे हमें इनपुट दिया हुआ दिखता है या हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं मॉनिटर, और हमारे पास आता है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर में हमारे पास क्या होता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड आता है ना, हमारे पास हार्ड कॉपी आता है, ठीक है ना, ये भी दिखता है, वो रिजल्ट देता, प्रिंटर भी रिजल्ट देता है, मॉनिटर भी। मॉनिटर में बेशक हमारे पास जो दिखता है दैट इज सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना, लेकिन जब हम उसको आउटपुट निकालते हैं फाइनल, तो हमारे पास प्रिंटर में हार्ड कॉपी की फॉर्म में दिखता है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास, हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर, हार्डवेयर के अंदर हमारे पास सीपीयू की बात होती है, ठीक है, सीपीयू, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लाइक इसको हम ये भी कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में क्या चीज क्यों कहा जाता है इसको, इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सारे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं ना सीपीयू के अंडर ही परफॉर्म होते हैं, ठीक है, अगर सीपीयू नहीं कनेक्ट होगा या किसी में आपका ये मदरबोर्ड वगैरह कनेक्ट नहीं होगी जिसके अंदर सारे लाइक आईसीज वगैरह इंस्टॉल होते हैं, तो देन आपका मतलब लाइक कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर आपका आ जाते हैं मेन, एक आता है सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है, फिर आता है आपके पास एक आता है एएलयू, ये आता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक यूनिट, ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपके पास रजिस्टर। अब बच्चा जी, अब अगर हम इन तीनों की बात करें वन बाय वन, सबसे पहले जो कंट्रोल यूनिट आता है सीयू, तो ये जो होता है इसमें आपको मतलब इसका काम क्या होता है, इसका ये फंक्शन होता है कि दैट कंट्रोल द डेटा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, वो इसका काम होता है। ALU का काम होता है कि अर्थमेटिकली फंक्शन, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो ये परफॉर्म करता है, और रजिस्टर में होता है मेमोरीज के कंसेप्ट, मेमोरीज, ठीक है, लाइक कंट्रोल मेमोरी, कौन सी मेमोरी में कौन सा डेटा पढ़ रहा है, ठीक है, वो रजिस्टर्स का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो अपना स्टोरेज की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर का कंसेप्ट आता है स्टोरेज का। अब स्टोरेज में हमारे पास आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस का क्या कंसेप्ट है कि स्टोरेज डिवाइसेस को हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, और डेटा को स्टोर होता है, लेकिन अगर उसी डेटा को हम लोग रिट्रीव भी कर सकते हैं, रिट्रीव इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिलता है जब हम लोग स्टोरेज में से अपने डेटा को निकालते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सॉफ्टवेयर्स के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट जो होगा दैट इज आल्सो लिंक्ड विद हार्डवेयर, तो जब भी इसके बारे में पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाऊंगा, तो बी अटेंटिव और प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे हर एक लेक्चर को, और हर एक वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, पसंद आएगी लाइक करेंगे, बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर्स बना के दे, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप तक, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज सॉफ्टवेयर।